Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Prince Tiwari and today we will start a new chapter, Trigonometry. So dosto, hum aapko aaj is chapter mein Trigonometry kuch basic concept batane wale hain. Chalo dosto, start karte hain apne video ko. To dekhiye dosto, Trigonometry mein dosto, ye jo tri hai na, ye tri ka dosto matlab hota hai 3. Okay? Tri ka matlab dosto kehte hain 3. और गुणों का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणों का मतलब हो जाता है आपका एंगल. ओके, एंगल. और मेट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेजर. ओके, ट्राई मतलब तीन, गुणों मतलब एंगल एंड मेट्री मतलब मेजर. इसका मतलब क्या दोस्तों, तीन एंगल का मेजर को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं. ठीक है, तो देखिए वो तीन एंगल कहां पर होते हैं. देखिए ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये हुआ पहला एंगल, ये हुआ दूसरा एंगल, ये हुआ तीसरा एंगल. ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री जब भी बनाएंगे तो हम इसी को लेंगे. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो देखिए सो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हिस्सा है ना, ये पोर्शन आपको दोस्तों होता है 90 डिग्री. ठीक है, और इस हिस्से को हम लोग थीटा मान लेते हैं. ठीक है, थीटा इसको या फिर इसको आप किसी को भी थीटा मान लेते हैं. ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका फिक्स रहता है और ये आप इसको या फिर इसको आप थीटा मान लेते हैं. चलिए इसको हम कुछ पॉइंटिंग देते हैं. इसका पॉइंट लेते हैं ए, इसको लेते हैं दोस्तों बी और इसको लेते हैं सी. ओके, अब देखिए अब हम आपको बता दें कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया है, इसे हम लोग लिखते हैं दोस्तों एच. देखिए इस एरिया को हम लोग एच नहीं, इस एरिया को हम लोग लिखते हैं दोस्तों पी. ठीक है, इस एरिया को हम लोग लिखते हैं दोस्तों एच. ओके, और इस एरिया को दोस्तों हम लोग लिखते हैं बी. देखिए ये क्या है, ये पी क्या है, ये एच क्या है, ये बी क्या है. अब देखिए आपको हम बता दें, ये बी से बेस. ठीक है, इस ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका ये बेस है. ठीक है, ये बी सी क्या है, बेस है. और इस बेस पे ये क्या है, ए बी एक परपेंडिकुलर है. ए बी क्या है, ए बी एक परपेंडिकुलर है. तो इसलिए परपेंडिकुलर हम लोग पी से डिनोट किए हैं, बी सी बेस है इसलिए हम लोग बी से डिनोट किए हैं. और ए सी क्या है, ए सी आपका हाइपोटेनस है. ठीक है, ए सी क्या है, ए सी आपका हाइपोटेनस है. किस पे, बी वाले बेस से लेकर परपेंडिकुलर से कनेक्ट किया हुआ इस हाइपोटेनस को. ठीक है, तो देखिए पी क्या है आपका, पी हो गया आपका परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर. ओके, एच क्या है, एच आपका है हाइपोटेनस. हाइपोटेनस हो गया. ठीक है, और जो बी है ये क्या है, बी आपका हो जाएगा बेस. ठीक है दोस्तों, देखिए आपको मैं फिर से बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्राई मतलब तीन, गुणों मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजर. ठीक है, तीन एंगल का मेजर को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. वो तीन एंगल कहाँ रहते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग तीन एंगल का मेजर करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के लिए सम्स बनाने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो देखिए ये है हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पर ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, ए सी हमारा हाइपोटेनस है और बी सी हमारा बेस है. ठीक है, और बेस का ये जो हिस्सा है, इस वाले एंगल को हम लोग 90 डिग्री एंगल कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही फॉर्म हो रहा है इसलिए हम लोग इसे 90 डिग्री कहते हैं. और इन दोनों से किसी एंगल, किसी एक एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार. ठीक है, और ये पी क्या है, पी हमारा परपेंडिकुलर है, एच क्या, एच हाइपोटेनस, और बी क्या है, बी बेस है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ. ठीक है, तो मैंने आपको जो थ्योरी देना था ये कुछ थ्योरी पार्ट्स है. अब भाई आपको हम कुछ फॉर्मूला के बारे में बताते हैं. तो देखिए ये देखिए दोस्तों, ये होता है आपका फॉर्मूला साइन थीटा. ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका पी बाई एच. ओके, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पी बाई एच. देखिए आपको मैं कुछ ये जो थीटा है ना, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल होता है. ठीक है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं वो कोई भी एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं. ठीक है दोस्तों,
थीटा मतलब क्या हो गया, किसी भी एंगल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं दूसरे नंबर सम्स में, दूसरे नंबर फॉर्मूले में, तो साइन थीटा ये होगा। अब देखिए एक आता है हम लोग का फॉर्मूला कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा तो आप दोस्तों आपका हो जाता है बी बाई एच, ठीक है। यहाँ पी बाई एच का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि बेस जो है उसके अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। थर्ड नंबर होता है आपका टैन थीटा, ओके। टैन थीटा क्या होता है दोस्तों आपका, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टैन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चौथा नंबर फॉर्मूला है दोस्तों हम लोग का कोसेक थीटा, ओके। कोसेक थीटा जो होता है दोस्तों वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या था, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, यानी कि इसको उल्टा करने को तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पांच नंबर में कॉस थीटा का, सॉरी पांच नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ओके। सेक थीटा क्या दोस्तों, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कॉस थीटा में क्या था, बी बाई एच था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, ओके। और लास्ट जो हमारा है वो है हमारा कॉट थीटा, वो किसका अपोजिट है, वो होता है टेन थीटा का अपोजिट, ठीक है। टेन थीटा क्या है, पी वाई बी, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, ओके। तो चलिए आपको फिर से बताया जाए ट्रिग्नोमेट्री थ्री एंगल मेजर्स, परपेंडिकुलर ये है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है, इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ के पी का मतलब है दोस्तों परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू दोस्तों हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है दोस्तों आपका एच बाय पी, एच बाय बी यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और दोस्तों कॉस थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए आपको बता दें, ये जो कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा है, साइन थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा उल्टा है आपका कॉस थीटा का, कॉट किसका उल्टा है, टैन थीटा का, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये तीन वैल्यू यदि आपको याद रहे तो आप इन तीनों को अपोजिट उल्टा कर करके, उल्टा कर करके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसका दोस्तों याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। आपको तो ये फॉर्मूला, आपको छह फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है, तो इसका याद रखने का ट्रिक क्या है, तो देखिए आप एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख लीजिएगा, पी से दोस्तों हो जाएगा आपका पंडित, बी से हो जाएगा आपका बद्री, फिर ये पी से आपका हो जाएगा प्रसाद, इससे हो जाएगा हर, हर बोले। देखिए आप पे मैं लिख देता हूँ पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर का टर्म है, ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक। नीचे भी उसी तरह है, देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर। बस इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह, बस इसमें चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, नीचे से हो जाएगा आपका पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पहला टर्म पी है, दूसरा एच है तो पी बाई एच, दूसरा यहाँ पर बी है फिर एच है तो बी बाई एच, तीसरा यहाँ पर पी है और बी है तो यानी कि पी बाई बी, यहाँ पर एच है और पी है तो यानी कि एच बाई पी होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर एच बाई बी है, यहाँ पर बी बाई पी है, ठीक है।
तो ये आपका इसको याद रखना ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और नीचे से क्या है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने का ट्रिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो हम फॉर्मूला के बारे में जानने जा रहे हैं वो यह है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है दोस्तों, और एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और एक है दोस्तों आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, ये जो तीन फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना। देखिए दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसे आपको इस तीन फॉर्मूला का आपको मतलब इसको इसे आपको कैसे भी करके आपको इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका उतना ज्यादा कोई ट्रिक है नहीं, तो इसे आपको कंटिन्यूसली आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होता है सम्स में, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स करूंगा आप ये सब फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए और भी आपको मैं कुछ फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा दोस्तों मैंने आपको कितना बताया था, पी बाई बी, ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस। मैं आपको बताता हूँ टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ओके, यदि आप इससे भी सॉल्व कर दे तो आपका आ जाएगा वैल्यू। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या था दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू था पी बाई एच, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था दोस्तों, बी बाई एच। तो यानी कि यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, ये एच और एच आपका कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। ओके, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, टैन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, अब देखिए जो दोस्तों मैंने आपको बताया एक और फॉर्मूला कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा इसको मैंने आपको कराया होगा पी सॉरी पी नहीं बी अपॉन पी। ओके, ये मैंने कराया कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या था दोस्तों, बी अपॉन एच था, साइन क्या था, पी अपॉन एच था। ठीक है, आप यहाँ से नॉर्मली आप एच और एच कैंसिल कर देते, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल जा रहा है, बी अपॉन पी। तो ये किसका वैल्यू है, ये तो दोस्तों आपका कॉस थीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने इसे प्रूफ कर दिया, तो यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है कॉट का। देखिए दोस्तों एक और फॉर्मूला, वो क्या है, वन अपॉन टेन थीटा। ओके, सेम उसी तरह टेन का भी है, टेन का क्या है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है अपना जो कि है वो वन अपॉन कॉट थीटा है। ठीक है, ये क्या है, ये टेन का है, ये कॉट का है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है वन बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपको हो जाएगा साइन थीटा। ओके, वन अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, वन अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, वन अपॉन कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका टैन थीटा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों जीरो डिग्री थर्टी डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्स फोर्टी फाइव। ठीक है, फोर्टी फाइव डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा नाइन्टी डिग्री। ओके, यहाँ पर दोस्तों पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या आता है, साइन जीरो का वैल्यू दोस्तों आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, साइन थर्टी का वैल्यू दोस्तों आपका हो जाएगा, साइन थर्टी का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा आपका वन बाई टू,
साइन 45 दोस्तों आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। देखिए साइन 60 का मान दोस्तों आपका √3/2 और साइन 90 आपका हो जाता है दोस्तों, साइन 90 दोस्तों आपका हो जा रहा है 1, ओके। अब देखिए अब यहाँ दोस्तों आपका आता है बारी कॉस का, कॉस थीटा। तो देखिए साइन टैक आपको ये वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉस को क्या करना है, उल्टा देखिए ये 1 यहाँ पर है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पर तो ये √3/2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 1/√2 एकदम पूरा नीचे का नीचे लिखे आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0। बस हम लोग इसको उल्टा करके लिख दे रहे, ठीक है, उल्टा करके लिख दे रहे, हो जा रहा है। और देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, मैंने आपको अभी पढ़ा था साइन बाई कॉस टैन होता है, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 0/1। तो 0/1 आपका कितना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1/0/0, ओके, ये आपका हो जाएगा 1/0/0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब उसी तरह आप इसको भी करेंगे साइन बाई कॉस करेंगे तो आपका ये 2 और 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा आपका 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/√3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 45 में क्या क्या, 45 में दोस्तों दोनों को दोनों ही कट जाएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर सबका वैल्यू आ जाएगा √3, और यहाँ पर क्या जाएगा 0 यदि 1 से डिवाइड होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो सबका हो जाएगा cosec, ठीक है। cosec क्या होता है, देखो cosec वो होता है फ्रेंड्स जो कि हम करते हैं 1/cos, 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है दोस्तों आपका, 1/sin आपका होता है दोस्तों cosec, ठीक है। तो 1/sin यानी कि 1/30 करेंगे यानी कि 0, तो आपका हो जाएगा कितना इन्फिनिटी, ओके, ये है इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको 1/sin करना है 30 वाले के लिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/√3 और एक आपका हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा अब sec थीटा, ठीक है। तो दोस्तों sec थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, sec थीटा इसके लिए दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों sec थीटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1/tan कर देना तो आपको sec का वैल्यू मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/tan करना है, तो 1/tan यानी क्या हो जाएगा 1/0 यानी क्या, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा आपको 1, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये जो है आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो भी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, आप यहाँ पर लिख देंगे यदि उल्टा करें तो आपके लिए बेटर है, आप लिख दें यहाँ पर 2/√3, ठीक है, फिर √2/2 और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये है आपके लिए cos थीटा का एक फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर है आपका वो √3 है, ठीक है, tan 30 का मान √3 है, ठीक है दोस्तों, और tan 45 यानी कि 1 है, ठीक है, और tan 45 tan 60 है वो कितना है 1/√3, ठीक है, ये क्रॉस का वैसे भी निशान नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। और cos थीटा का यहाँ पर क्या होता है, ये आपको इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है आपका sin थीटा इक्वल टू 0/0, 30 इक्वल टू 1/2, 45 इक्वल टू 1/√2, 60 इक्वल टू √3/2 × 1, ठीक है दोस्तों, इस तरीके का वो सारा है।
तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे यदि मान ली कि आपको पहला वाला चीज याद है तो आपको आप उसको उल्टा करके लिखे तो आपका सेकंड वाला हो गया साइन बाई कॉस का जो टेन आ गया, ठीक है। यदि आप टेन को यदि कॉसेक मिला देते हैं, ठीक है, तो साइन से चेंज कर तो आपको कॉसेक आ गया, कॉसेक फिर आपका सेक आ गया, सेक से कॉट आ गया, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको इसके ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक आपका यही है कि आपको यहाँ पर ऐसे रूट देके यहाँ पर जाना है। आपको पहले 0/4, सेकेंड देना है आपको 1/4, थर्ड देना है आपको 2/4, और थर्ड आपको देना है 3/4, फोर आपको क्या देना है 4/1, 4/4, ठीक है। तो देखिए 0/4 क्या क्या होगा, तो 0/4 तो आपका हो जाएगा 0। ये मैं सिर्फ साइन का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। 30 मतलब क्या था 1/2, यानी कि इसको यदि क्रॉस हटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1/2। 40 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है 1/√2। 60 कितना हो रहा है, यानी कि √3/2, और 90 कितना हो रहा है 1, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो भी दोस्तों उसी के रूप में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था, ठीक है। अगर जब आपको मेरा वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला था, यदि मान लीजिए आगे और भी यदि कुछ फॉर्मूला आते हैं हमारे समझ में वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये दोस्तों ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, गुड बाय, टेक केयर।